महाभारत। प्रणाम भ्राताश्री। आयुष्मान भव, रणभूमि से कोई नया समाचार लेकर आए हो अनुज? समाचारों के सिवा अब लहने को रही क्या गया है भ्राताश्री? जब युद्ध होने वाला होता है तो वातावरण में केवल समाचार ही गूंजते रहते हैं, परंतु ऐसे समाचार अधिकतर अशुभ और बुरे ही होते हैं। तुम्हारी बातों से एक विचित्र भय टपक रहा है, बहुत भयभीत लग रहे हो तुम। भयभीत लग नहीं रहा हूं भ्राताश्री, भयभीत हूं। ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी है अनुज? क्या युद्ध की तैयारियों में कोई बाधा आन पड़ी है? युद्ध में बाधा पड़ जाना तो एक अच्छा समाचार होता है भ्राताश्री, क्योंकि बाधा पड़ने से युद्ध टल भी जाता है। पर मेरे पास इतना अच्छा समाचार नहीं है। जो समाचार मेरे पास है भ्राताश्री, वो एक भयंकर संकट की ओर संकेत कर रहा है। संकट? कैसा संकट? तुम कहना क्या चाहते हो अनुज? खुलकर कहो, क्या समाचार है? पांडवों की शक्ति में एक असीम वृद्धि हो गई है भ्राताश्री। वृद्धि हो गई है? क्या उन्हें किसी और से सैनिक सहायता मिल गई है, या हमारी सेना की कोई टुकड़ी उनसे जा मिली है? बताओ तो सही, क्या है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है भ्राताश्री। तो फिर? मोरवी पुत्र बर्बरीक अपनी शिक्षा पूरी करके वापस आ गया। तुमने तो मुझे भयभीत ही कर दिया था विदुर, तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? पुत्र भीम का पौत्र तो अभी केवल एक छोटा सा बालक है, परंतु वो गुरु विजय सिद्ध सेन से जो सिद्धियां लाया है वो न केवल बहुत बड़ी हैं, बल्कि बहुत भयानक भी है भ्राताश्री। परंतु ऐसी कौन सी सिद्धियां हैं विदुर, जिन्होंने तुम्हें भयभीत बना दिया है? मेरा भय अकारण नहीं है भ्राताश्री। पर है तो वो एक व्यक्ति ही ना, कोई सेना तो नहीं है? बर्बरी किसी भी सेना से अधिक विशाल और शक्तिशाली है भ्राताश्री। उसके पास कामाक्षा देवी के प्रदान किए हुए ऐसे उचूक वाण हैं जिनका तो सामना ही नहीं किया जा सकता। हमारी सारी सेना, सारी शक्ति उन वाणों की आंधी में तिनकों की भांति उड़ जाएगी भ्राताश्री। बर्बरीक के रूप में हमारी सेना के सामने मौत अपना भयानक मुंह खोले खड़ी है। हां भ्राताश्री, हमारी सारी सेना तहस नहस हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। तुम मुझे भयभीत ही करते रहोगे या इस विनाश का कोई उपाय भी बताओगे विदुर? एक ही उपाय है भ्राताश्री, एक ही उपाय है। क्या है? घोषणा कर दी जाए कि यह युद्ध नहीं होगा। यह तुम क्या कह रहे हो विदुर? कदाचित भय ने तुमसे तुम्हारी बुद्धि तो नहीं छीन ली? मैं ठीक कह रहा हूं भ्राताश्री, आपको बर्बरीक की शक्ति का अनुमान नहीं। युद्ध में वीर गति को प्राप्त होना तो एक बात है, और आत्महत्या कर लेना दूसरी। युद्ध करना इस समय आत्महत्या करने के समान होगा, और युद्ध न करने का निर्णय आपको आज ही और अभी करना होगा। इस बारे में मैं अभी इस समय कोई निर्णय नहीं ले सकता विदुर। क्यों नहीं ले सकते? क्या इन परिस्थितियों को देखते हुए आप कोई निर्णय नहीं ले सकते भ्राताश्री? नहीं विदुर, अपनी नेत्रहीनता के कारण ना तो मैं किसी परिस्थिति को देख सकता हूं, ना ही जान सकता हूं, और ना ही परख सकता हूं। इसलिए निर्णय लेने के सारे अधिकार मैंने पुत्र दुर्योधन को दे दिए हैं। आपने निर्णय के अधिकार पुत्र दुर्योधन को दिए नहीं, उसने आपसे ले लिए हैं। आपको किसने यह अधिकार दिया था कि आप जनहित को भूलकर पुत्र मोह में यह अधिकार दुर्योधन को दे दें? अपने लिए न सही भ्राताश्री,
तो आप हस्तिनापुर के हित के लिए यह अधिकार उसे वापस ले लीजिए, नहीं तो न हस्तिनापुर रहेगा और न ही हम। दुर्योधन को समझाइए भ्राताश्री कि इस समय इस निर्णय के सिवा इस महाविनाश से बचने का और कोई रास्ता नहीं है। वो ये कदापि नहीं मानेगा विदुर, कदापि नहीं मानेगा। उसे किसी भी तरह मनवाइए भ्राताश्री, मानने पर विवश कीजिए। उसे कहिए जब तक कि बर्बरी की ओर से खड़े हो जाने वाली ऐसी महाभयंकर समस्या का कोई समाधान ढूंढा नहीं जाता तब तक युद्ध को रोक दिया जाए। तुम अनुरोध करते हो तो मैं प्रयत्न करके देखता हूं, किंतु आशा मुझे तिल भर की भी नहीं है विदुर। जाओ तुम युवराज दुर्योधन से कहो कि हम उससे तत्काल मिलना चाहते हैं। जैसी आज्ञा।